नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एमटीटीवी इंडिया। दिवाली पर्व पर आप सभी खरीदारी करने घर से निकल रहे होंगे और उसी के साथ आपको शहर में ट्रैफिक व्यवस्था की हालत चरमराती हुई नजर आ रही होगी। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अधिकारियों और पुलिस के अलावा इस अव्यवस्था के लिए असली जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ा जाए? नहीं लगा होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन आज ये खबर देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि स्मार्ट सिटी अजमेर की ट्रैफिक व्यवस्था को बदहाल करने में शहर की इन महान इमारतों का योगदान भी है। इन इमारतों के मालिकों ने अजमेर नगर निगम के अधिकारियों को भ्रष्ट समझ नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है। नगर निगम अजमेर से जिन इमारतों के नक्शे तय मानकों और नियम के मुताबिक पास हुए हैं, उन्हीं मालिकों ने उन्हीं नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। इन इमारतों के बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए थी, लेकिन महात्मा गांधी वाले गुलाबी कागज से मोहब्बत किसे नहीं, और उसी मोहब्बत के लिए इन इमारतों के मालिकों ने तय नियमों को तोड़कर पार्किंग की जगह दुकानें ही बना डाली। किसी ने पार्किंग की जगह को रसोई बना दिया, तो किसी ने पार्किंग की जगह को मरीजों को देखने की जगह बना दी, तो किसी ने अजमेर की मशहूर कड़ी कचौरी की दुकान ही पार्किंग में खोल दी। अब भला आप ही सोचिए, जब आपके वाहन के पार्किंग की जगह को ऐसे भरा जाएगा तो आपके वाहन खड़े कहाँ होंगे? सड़क पर ही ना। फिर भला बाजार में आपको होने वाली ट्रैफिक बाधा के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही जिम्मेदार कैसे होंगे? असली जिम्मेदार तो ये 27 भवन मालिक हैं, जिन्हें अजमेर नगर निगम आयुक्त चिन्मय गोपाल के निर्देश पर नोटिस जारी हुआ है, जिसमें इनसे पूछा है कि बेसमेंट की पार्किंग की बजाय अन्य उपयोग करने के लिए क्यों नहीं उनके खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाए। अजमेर नगर निगम ने ललित गुप्ता गुप्ता ENN रामगंज, ओम प्रकाश माहेश्वरी रामगंज, जेबनी ब्रदर्स क्रॉसलैंड होटल जयपुर रोड, ग्रेट ईस्टर्न वैशाली चौराया, विवान होंडा वैशाली नगर, इंडसलैंड बैंक जयपुर रोड, यश बैंक वैशाली नगर, किचन एम्प्लाइज वैशाली नगर, शंकर पैलेस जयपुर रोड, होटल सिद्धार्थ जयपुर रोड, वेजांता होटल जयपुर रोड, रेमंड शोरूम जयपुर रोड, VLCC जयपुर रोड, चंदीराम जयपुर रोड, पहचान शोरूम जयपुर रोड, लिबर्टी शोरूम जयपुर रोड, अजमेर टावर कचेरी रोड, अग्रवाल हीरो शोरूम जयपुर रोड और शगुन डायग्नोस्टिक जो सावित्री चौराहे पर स्थित है, और उसके साथ साथ एम्ब्रोसिया होटल शास्त्री नगर रोड, अप्सरा मेंशन आना सागर सर्कुलर रोड, नेक्सा शोरूम आना सागर सर्कुलर रोड, MTC टावर अशोक विहार, स्केचर शोरूम अशोक विहार, सिटी प्लाजा वैशाली, वैशाली हॉस्पिटल अजमेर, और सबसे आखिरी में है प्रीतिया होटल वैशाली नगर को नोटिस जारी किया है। खैर, इस दिवाली के बाद MTTV इंडिया इन तमाम भवन मालिकों से इन नोटिसों के जवाब भी लेने की कोशिश करेगा। मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।